इन बर्ड्स का ट्रीटमेंट कोई नहीं कर रहा था, इसलिए इनको कोई ऐसी जगह की ज़रूरत थी जहाँ पर इनको ले जाया जा सको और इनका इनको ट्रीटमेंट मिल सके। तो उस टाइम में बर्ड्स के साथ हमें काफ़ी अटैचमेंट हो जाया करता था, और कभी अगर वो उसकी डेथ होती थी तो हमको काफ़ी अफसोस होता था उस टाइम को। ह्यूमन से भी थोड़ा दूर रखते हैं कि इनको, क्योंकि इनको वाइल्ड में सर्वाइव करना होता है। अगर ये ह्यूमन से इंटरेक्ट होंगे तो फिर ये इनको सर्वाइव करने में दिक्कत होगी। जब डॉक्यूमेंट्री बन गए तो उसके बाद से काफ़ी फॉलोवर्स बढ़ गए मेरे, और फेसबुक पे भी काफ़ी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हैं। हाँ, लोग कहते हैं आप चीज़ों को बताते हो, खुश होते हैं लोग। जहाँ पास लैंड नहीं थी तो हमने अपने घर का इस्तेमाल किया, जहाँ पास फाइनेंसिस नहीं थे तो हमने अपने पॉकेट से फंड्स लगाए, हमारे पास मैन पावर नहीं थी तो हम खुद वो काम करने लगे। तो हम आपस में ये बात करते थे कि जिस दिन हमारा बिजनेस बंद हो गया उस दिन हमारा हॉस्पिटल भी बंद हो जाएगा। पहले बर्ड लेकर आए हम, जो शुरू के कुछ बर्ड्स थे, वो इसलिए लेकर आए कि एटलीस्ट अगर इनको हम बचा नहीं सकते तो उनको एक जगह दे सकते हैं जहाँ पर ये सुकून से मर सकें, एटलीस्ट उनको भूख प्यास से नहीं मरना होगा, कोई गाड़ी चढ़ के नहीं मरे। तो हमारे माइंड में यही आता था कि जिस दिन हम इनको बंद, ये सर्विस बंद कर देंगे तो वापस सड़कों पर आकर भूखे मरे। तो ये चीज़ हमें क्विट नहीं करने देती थी कि हम हथियार डाल दें, हम नहीं कर सकते।